आज हम खजूर की चटनी बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने एक पैकेट खजूर लिया है और इमली लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम एक गिलास पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें खजूर को ऐड करेंगे। इसे हम थोड़ा सा पानी में डुबा कर निकाल लेंगे। अब हम इसे कढ़ाई में ऐड करेंगे। अब हम इमली को थोड़ा सा उसके बीजों को निकाल लेंगे। इसके बीजों को निकाल लेंगे। इसके बाद इसे भी हम उबलने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम इसे ढककर उबलने के लिए छोड़ देंगे। इसमें उबाल आ चुका है, यह उबल चुका है, तो इसे हमें छान लेना है। इसे हम छान लेंगे और जो खजूर के बीज होंगे उन्हें फेंक देंगे। आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल CG24 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम कढ़ाई में तेल ऐड करेंगे। उसमें हम जीरा, तिल, मेथी दाना, लाल मिर्च इन सभी को ऐड करेंगे। फिर इसे फूटने देंगे। अब हम इसे भी ऐड कर देंगे। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है छत्तीसगढ़ का जायका। अब इसे हम कुछ देर उबलने देंगे। उसके बाद इसमें हम नमक, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गुड़ ऐड करेंगे। अब इसे हमें उबाल आते तक पकाना है। फिर खजूर की चटनी बनकर तैयार है। इसे आप चाट बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट होता है और इसे एक बार बना के स्टोर करके भी आप रख सकते हैं फ्रिज में। खजूर की चटनी बनकर तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर।